जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता को सादर जय जयेंद्र। मैं सौ उज्ज्वला दिलीपजी छाजेड पंढरपूर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। आपको 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भगवान तो महान थे, त्रिकाल दर्शी थे, उनके बारे में क्या बताऊँ। उनके बारे में बताना यानी सागर से एक बूंद भी बराबर नहीं होगी। क्षत्रिय कुल में सिद्धार्थ राजा के घर त्रिशल रानी के कुक्ष में बाल वर्धमान का जन्म हुआ। सिद्धार्थ राजा ने घोषणा कर दी कि यह बालक आने से मेरे धन धान्य संपत्ति कोष खजाने में अपार वृद्धि हुई है, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखना ही उपयुक्त होगा। उपस्थित लोगों के समर्थन मिलने पर बालक का नाम वर्धमान रखा गया। भगवान महावीर स्वामी जी ने अहिंसा संयम तप का पांच महाव्रत पांच समिति तीन गुप्तिका अनेकांत अपरिग्रह एवं आत्मवाद का उपदेश दिया। यज्ञ के नाम पर होने वाली पशु एवं नर बलि का घोर विरोध किया तथा सभी वर्ग के सभी जाति के लोगों को धर्म पालन का अधिकार बताया। जाति पाति व लिंग के भेदभाव को मिटाने हेतु उपदेश दिए। इस प्रकार 30 वर्ष तक तीर्थंकर के रूप में विचरण कर जैन धर्म का उपदेश दिया। आपका अंतिम चतुर्मास पावापुरी में हस्तिपाल राजा के यहाँ पौषशाला में हुआ और अंतिम देशना देते हुए आप बेले बेले की तपस्या में निर्वाण को प्राप्त हो गए। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते है, ऐसा समझकर कर्म बांधने से भय रखो। तीर्थंकर स्वयं गृह त्याग एव कर साधु धर्म स्वीकारते हैं, तो फिर बिना धर्म करने से हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए धर्म करो। भगवान ने जब इतनी उग्र तपस्या की है तो हमें भी शक्ति अनुसार तपस्या करनी चाहिए। भगवान की शिक्षाएं हमें भी आत्मसात करनी चाहिए। भगवान ने सामने जाकर उपसर्ग सहे तो कम से कम हम अपने सामने आए हुए उपसर्गों को समता से सहना चाहिए। हमें भी यह शक्ति तीर्थंकर प्रभु सहने की दे। इसी अपने शब्दों के साथ विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।